बयानों के आजम खान के बयान पर बवाल जारी है, लेकिन आजम खान है कि टस से मस होने को तैयार नहीं। लोकसभा स्पीकर के साथ विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया है कि आजम खान ने अगर अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो सोमवार को उन पर कार्रवाई की जाएगी। आजम खान के खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए कि कोई महिला अगर चेयर पे बैठी है, ये पैट्रियार्कल पुरुष प्रधान समाज की जो एक सोच है, उनकी सिक मेंटेलिटी में कहूंगी, वो सामने आई है कि महिला अगर बैठी है चेयर पे तो वो भी बर्दाश्त नहीं है इन लोगों को, जिस तरह का रिमार्क इन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन है, मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि आप बहनों के लिए ऐसा स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। क्या मिस्टर खान यही स्टेटमेंट अपने घर में अपनी बहनों के लिए इस्तेमाल करते हैं? आजम खान को क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आजम खान एक ऊंची पोस्ट पे हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, छोड़ देना चाहिए क्या? जो लॉ मेकर्स को तो और भी कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि जब लॉ मेकर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो जाहिर है महिलाओं के प्रति बढ़ने वाली जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको आप कैसे रोकेंगे जब लॉ मेकर इस तरह की सोच रखता है? इस तरीके के शब्द उनके जैसे गरिमामयी पद पे आसीन व्यक्ति को तो नहीं बोलने चाहिए। महिलाओं के लिए ये बहुत ही अपमान भरा है और मुझे लगता है कि उनको तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए और इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये तो उन्होंने बयान गलत दिया है, एक महिला होने के नाते ये उनके सम्मान जनक बातें नहीं है उनके लिए, उनके खिलाफ है ये बोलना कि आँखों में आँखें डाल करके जो हमें बात करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल आजम खान के खिलाफ महिला सांसदों ने मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि इससे पूरे सदन का अपमान हुआ है। अभी देखना होगा कि आजम खान अपने इस बयान पर माफी कब मांगते हैं, और अगर नहीं मांगी तो ये तय है कि सोमवार को उन पर कार्रवाई जरूर होगी। कैमरा पर्सन केसर सिंह के साथ मैं ऋतु बिष्ट, R9 TV, दिल्ली।